बिना हेलमेट है, ट्रिपल लोड भी है, मास्क भी पहन गई, ट्रिपल लोडिंग भी है। मालूम है नाइट कर्फ्यू हो गया। हाँ जल्दी पटाख से चलो नहीं यार बाहर चलो करेंगे खुद बिना साला मास्क का तुम घूम रहे हो। कहाँ खाना खा रहा था बताओ। ये दुकानें बंद हो जाएगी 8 बजे के बाद, तो कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था की समस्या होगी, चोरी उचक्कों का ये एक सुनहरा मौका हो जाए, तो ऐसे में क्या उपाय किए गए? सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्वयं गश्ती भी करते हैं और रात में हम लोग जो पैदल गश्ती भी है चलता है, तो सब लोग अब सतर्क रहते हैं पुलिस वाले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना, कर्फ्यू नाइट करना है, तो हमारे पुलिस वाले सजग हैं। थैंक यू सर। मामला नहीं है एक्चुअली, कोविड का जो नया गाइडलाइन आया है उसके आलोक में जो शॉप्स हैं वो 8 बजे तक बंद हो जाने हैं और 10 बजे से नाइट कर्फ्यू हो जाना है, अति आवश्यक सेवा को छोड़ के बाकी किसी का मूवमेंट नहीं होना है। उसी का इम्प्लीमेंट कराने हम और SP साहब खुद निकले हैं और देखने के लिए निकले हैं कि क्या स्थिति अच्छी है। हमारे जो SDO SDP और अन्य लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और जो अनाउंसमेंट हम लोगों के द्वारा किया गया था जिला प्रशासन उसका अच्छा इफेक्ट है। सभी दुकानें बंद हैं और इक्के दुके लोग ही हैं जो अति आवश्यक कार्य से अस्पताल या अन्य जो कार्य है या स्टेशन से उतर के घर जा रहे हैं वही लोग हैं, बाकी स्थिति अच्छी है। और कोविड की स्थिति जो जिले में है वो बहुत अच्छी, बहुत ख़राब नहीं कही जाएगी, स्थिति ठीक है और धीरे धीरे हम लोग इसको कंट्रोल कर लेंगे निश्चित रूप से नागरिकों के सहयोग से, आप सभी लोगों के सहयोग से। सर हम लोगों ने हम लोग लगातार, हम और SP साहब लगातार ये अपील कर रहे हैं यहाँ आम जनता से कि कोविड जो है कोरोना की तीसरी लहर आ गई है और निश्चित रूप से जो गाइडलाइन फॉलो करना है जो सरकार के द्वारा और खुद भी जो फॉलो करना है उसको फॉलो करें, बिना मास्क के घर से नहीं निकले, अति आवश्यक कार्य हो तभी घर से निकले, वृद्ध और बच्चों को घर में रहने दें उन्हें बाहर लेके नहीं निकले, बहुत आवश्यक हो तभी निकले। इसके साथ ही साथ हमेशा सैनिटाइजर या साबुन से का इस्तेमाल करें, हाथ को सफाई करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं।